हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोलॉग क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 4th February 2023। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द 5 कॉलेजियम पिट जजेस टू बी पोस्टेड सून सेज द सेंटर। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पे सबमिशन हुआ है बाई द अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल का भी नाम लिखा गया है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी। ओके, that warrants of appointment of 5 judges to the Supreme Court likely, okay, it will be issued by February 5. तो यहाँ पे अगर जो 5 judges हैं उनका अगर हम नाम देखें तो Supreme Court Collegium जो है it has recommended Justice Pankaj Mittal, Sanjay Karol, PV Sanjay Kumar, then Ashnuddin Amanullah and Manoj Misra for the appointment of the top court on December 13, 2022 but they have been pending with the government for nearly 2 months। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द कॉलेजियम जो है उसने प्रपोज किया है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट राजेश बिंदल एंड गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अरविंद कुमार टू द गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन January 31। तो यहाँ पे अगर जो है जो ये अपॉइंटमेंट्स अगर हो जाते हैं तो इट विल सी दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव इट्स फुल स्ट्रेंथ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 judges। ओके, तो टोटल जजेस जो है वो 34 होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें कॉलेजियम सिस्टम, जो मैंने पहले आपको भी बताया है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, सो इफ यू विल सी द कॉलेजियम सिस्टम, सो इट इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज द आउटकम ऑफ सेकंड जजेस केसेस एंड देन इट वाज मॉडिफाइड इन थर्ड जजेस केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ CJI एंड प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4, ठीक है ना, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलते हैं न्यूज की तरफ। अगला न्यूज दैट इज बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल रेजिलियंट सेज RBI अमिड अडानी इम्ब्रोग्लियो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रिजर्व बैंक जो है इट हैज सेड दैट हैज अकॉर्डिंग टू इट्स करंट असेसमेंट द बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स रेजिलियंट एंड स्टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट बैंक्स, ओके, दे आर इन कंप्लायंस विद द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस इशूड बाई द RBI। तो एक RBI की गाइडलाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। नॉर्मली यहाँ पे बैंक्स को कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में आपका जो एक्सपोजर है या आपका जो लोन इन्वेस्टमेंट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तो अडानी ग्रुप दे हैव डिसाइडेड टू विदड्रॉ द 22,000 crore फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी जो होती है जब वो दोबारा से अपना शेयर्स जो है वो जब पब्लिक को बेचते हैं, व्हेन दे सेल द शेयर्स टू द पब्लिक, ओके, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यहाँ पे द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इज स्टेप्स फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स टू विदड्रॉ ट्रीटमेंट। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है, एडवांस डायरेक्टिव। तो टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब कि बियॉन्ड रिकवरी, ठीक। तो ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए कि एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल एक्स, ओके, दैट इंडिविजुअल एक्स कैन गिव एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है ना, दैट इफ दिस पर्सन दैट इज एक्स बिकम्स टर्मिनली इल देन द मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, there should be withdrawal of a medical treatment and that person should be allowed to die with dignity. तो इसको हम कहते हैं advance medical directive. It is given by terminally ill patients who are beyond cure or hope. तो इसके जो procedures थे वो पहले बहुत ही ज़्यादा cumbersome थे, अब उसको Supreme Court ने जो है बहुत ही ज़्यादा simplify कर दिया है। So if you will see that the Supreme Court simplifies certain directions of an earlier constitution bench while allowing passive euthanasia. ठीक है, यहाँ पे है कि जो पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, ओके, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पहले जो 2018 में जो जजमेंट था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे दैट इन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इट रिक्वायर्ड द सिग्नेचर ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस एंड इट शुड बी काउंटर साइन बाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बट नाउ इफ यू विल सी दैट नाउ इट नीड्स टू बी साइंड बाई एन एग्जीक्यूटर or a patient and independent witnesses in the presence of a notary or gazetted officer who would record his or her satisfaction that the advance medical directive was voluntary and executed without coercion.
एंड दिस एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव इफ ही और शी विशेस इट कैन बी मेड द पार्ट ऑफ द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स. द नेक्स्ट इज रेलवेज टू रैंप अप बुकिंग कैपेसिटी फ्रॉम 25,000 टू 2.25 लाख टिकट्स अ मिनट. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पैसेंजर रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम्स है इंडियन रेलवेज का, अब यहाँ पे जो है जो इसका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प किया जाएगा कि ताकि जो अब एक साथ 25,000 टिकट्स बुक्स होते हैं एक मिनट में, वो 2.25 लाख टिकट्स की बुकिंग जो है वो हो सके. ओके तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रेलवे का आउटलुक है, यूनियन रेलवे का आउटले है जो यूनियन बजट में, इट इज़ रुपीज 2.4 लाख करोड़. ओके एंड अ पार्ट ऑफ इट विल बी यूटिलाइज टू ले न्यू ट्रैक्स. ओके तो यहाँ पे है कि दैट टारगेट इज 4,500 किलोमीटर, दैट इज 12 किलोमीटर पर डे द न्यू ट्रैक्स विल बी लेड डाउन. Then the effort is to link towns and villages across railway lines through flyovers and underpasses that have been constructed. Okay, but it is the number is not sufficient. So again, 1,000 new flyovers and underpasses will be constructed to prevent flooding. Uske baad, under one station, one product scheme, 594 stalls were operational at 550 stations, opening up a new market for local artisans and women self-help groups. Now the scheme will be expanded to 750 stations. Now, द नेक्स्ट इज एडिटोरियल गोइंग ग्रीन. तो यहाँ पे जो है बजटरी प्रोविजन जो है अबाउट द ग्रीन इकोनॉमी, ओके उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है ग्रीन इकोनॉमी के बारे में. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने COP26 विच वॉज हेल्ड एट ग्लासगो वहाँ पे कमिट किया है कि इंडिया विल बिकम नेट जीरो कार्बन कंट्री और कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाई 2070. सेकेंड जो है कि इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई ओवरटेकिंग चाइना इन 2023. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन सो वी शुड एक्ट वेरी फास्ट. तो यहाँ पर आप देखेंगे बजट 23-24 में सो दैट हैज़ बिन फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल. ओके सो द बजट हैज़ एग्जेम्प्टेड कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज. ओके सो दिस विल गिव इम्पेटस टू लोकल कंपनीज टू सेटअप ईवी बैटरी प्लांट्स. द नेक्स्ट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म. द नेक्स्ट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद अ कैपेसिटी ऑफ 4,000 मेगावाट आवर. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सो दे आर क्रूशियल इन पावर ग्रिड स्टेबलाइजेशन and essential as India increases its reliance on alternative source of power generation. ठीक है, सो यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है इट बिकम्स एनेबलर ऑफ एंश्योरिंग द इलेक्ट्रिसिटी दिस जनरेटर्स प्रोड्यूस एट द पीक आउटपुट इज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू मैच द डिमांड अराइविंग एट द ग्रिड फ्रॉम हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. द नेक्स्ट इज 8,300 crore टूवर्ड्स 20,700 प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख. तो अगर आप लद्दाख देखेंगे इट हैज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ सनलाइट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज आइडियल लोकेशन टू साइट फोटोवोल्टिक एरेज फॉर प्रोड्यूसिंग सोलार पावर. तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ से जो इवैक्यूएशन है, मतलब इवैक्यूएशन का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना, वो उसके लिए अलग से फंडिंग है 8,300 crore का. The next is Reign of Terror. So it is about Myanmar political turmoil. 2 saal ho gaye hain jab military janta aur military which is also called as Tatma Dog, okay, which overtook the power in Myanmar. Uske baad se jo Myanmar ki military rulers ne kaha bhi hai ki that they are going to schedule the election, okay. But if you will see the situation in Myanmar, okay, so violence, okay. एंड इन वायलेंस इज ऑन इंक्रीज क्योंकि जो सपोर्टर्स थे डेमोक्रेसी के दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट. ओके मैनी पीपल्स हैव बीन किल्ड ऑल्सो, मैनी पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ म्यांमार पॉलिटिक्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैनी प्रोमिनेंट लेयर्स प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग सू की. ओके तो यहाँ पे यह है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया. ओके एंड देन देयर वॉज क्रैक डाउन ऑन सिविल रेजिस्टेंस. ओके एंड नाउ दैट रेजिस्टेंस इज स्टिल कंटिन्यूइंग. तो अगर आप देखेंगे कि जब से कूप हुआ है 2 साल पहले तब से 3,000 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, 40,000 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड 1.5 मिलियन पीपल हैव बीन
डिस्प्लेस्ड। अगर यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट देखें तो 17.6 मिलियन पीपल, विच इज रफली अ थर्ड ऑफ म्यांमार पॉपुलेशन, दे विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ओके राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका जो रोल है ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल सिचुएशन में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करेंटली देर इज अ नीड दैट ओके दैट द मीनिंगफुल डेमोक्रेटिक डायलॉग शुड टेक प्लेस बिटवीन जनता एंड अपोजिशन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, एंड इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, स्पेशली एशियान, चाइना एंड इंडिया शुड पुश द जनरल्स, मतलब जो मिलिट्री हैं, टू स्टार्ट द टॉक्स विद द अपोजिशन। द नेक्स्ट इज चार्ज शीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, कि जो चार्जशीट होता है ठीक है उसको पब्लिक ना करना। जैसे कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन के पहले फाइल की जाती है, चार्जशीट जो बनता है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बनता है, उसमें सारे पर्सन के नाम होते हैं जो क्राइम जो एक्यूज हैं, जो विक्टिम है, क्या चार्जेस हैं हर पर्सन के ऊपर, वो सारा कुछ होता है ठीक है। ये जो चार्जशीट है इट इज़ गिवन टू द विटनेसेस, इट इज़ गिवन टू द एक्यूज एंड द विक्टिम, बट नाउ अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इट विल नॉट बी ओपन टू पब्लिक, इट विल नॉट बी अपलोडेड फॉर पब्लिक इन्फॉर्म फॉर पब्लिक। पर FIR जो है वो पब्लिक होता है, उसके लिए केस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, विच डायरेक्टेड दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी अपलोडेड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, बट द सेम थिंग हैज नॉट बिन डन फॉर द चार्जशीट। तो अगर आप चार्जशीट के बारे में अगर पढ़ें, सो चार्जशीट विच इज द फाइनल रिपोर्ट, विच इज द फाइनल रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाई द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ओके एंड यहाँ पे कोर्ट हैज सेड दैट इट कैनॉट बी शेयर विद एनी वन अदर देन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। द नेक्स्ट इज लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75। तो यहाँ पे द 75th एनिवर्सरी ऑफ श्रीलंका इंडिपेंडेंस February 4, 1948 विद अ क्वेश्चन हैविंग बीन रेज्ड ऑन वेदर इट इज वर्थ वेस्टिंग श्रीलंकन रुपीज 300 मिलियन ऑन दिस इवेंट। ठीक है, तो जैसे कि श्रीलंका में अगर आप देखेंगे ठीक है, तो श्रीलंका की जो बात यहाँ पे हो रही है, तो इट गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 1948 ओके 4 February। ठीक, श्रीलंका का जो नाम था पहले ब्रिटिश के टाइम में इट वॉज सीलोन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस है ठीक, देन वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करेंटली जो है डॉलर 2.9 बिलियन का जो IMF ने जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है, इट रिक्वायर्स द एश्योरेंस फ्रॉम दिस लैंडर्स विच इंक्लूड्स चाइना ओके जापान एंड इंडिया, वेयर इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव एश्योरेंसेज टू IMF फॉर द डेट रिस्ट्रक्चरिंग विद श्रीलंका। उसके बाद अगर आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल में जो है वो जो सिविल अनरेस्ट है जिसके वजह से बहुत दिनों तक वॉर भी था अबाउट द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका दैट इज सिन्हालीज एंड तमिल्स ओके, उसके बारे में यहाँ पे इफ़ यू विल सी दैट इट हैज बीन डिस्कस्ड दैट टिल नाउ ओके जो 13th Amendment था ओके विच वॉज द पार्ट ऑफ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड but which called for elections in provinces okay it has still not been implemented। ठीक है, तो उसके वजह से जो है अगर जो देखेंगे जो तमिल लैंग्वेज को रिकग्निशन नहीं थी। ठीक है, इफ यू विल सी द फर्स्ट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 एंड विच इज अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ 1948 इट एम्बॉडीड अ मिक्सचर ऑफ सिन्हाली नेशनलिस्ट एंड लेफ्ट रिफॉर्म प्रपोजल बट इट रेफ्यूज टू एकोमोडेट द तमिल नेशनलिस्ट रिफॉर्म डिमांड्स, सो इट लेड टू द स्टार्ट ऑफ इंसर्जेंसी स्पेशली इन नॉर्दर्न तमिल इन 1983। नाउ द नेक्स्ट इज नो प्रपोजल टू यूज रिमोट EVMs इन अपकमिंग इलेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक प्रपोजल रखा है ओके, द RVM वुड ऑल्सो नॉट टू बी यूज फॉर NRI वोटर्स, अभी के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि द कमीशन has said that remote EVMs would allow migrant voters to exercise their franchise
It circulated a concept note to all national and state political parties and solicited written views from them by January 31. So, commission jo hai, on January 16 invited parties for the demonstration of its prototype. However, the demonstration could not be carried out as parties raised objection to the lack of consultation. तो ये जो प्रोटोटाइप आरबीएम है इट इज डेवलप्ड बाय ईसीआईएल एंड इज अ रोबोस्ट एंड स्टैंड अलोन सिस्टम बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ईवीएम्स ओके द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर लेगार सोलर स्कीम तो दिस इज द स्कीम द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान दैट इज पीएम कुसुम ओके विच हैज थ्री पार्ट्स हैविंग फार्मर्स इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स वर्थ रुपीज 10,000 मेगावाट installing 20 lakh solar powered agriculture pumps that are not connected to the grid and converting 15 lakh agricultural pumps already connected to the grid into solar grid to yahan pe jo hai the deadline for this scheme by the ministry of new and renewable energy the aim is to install 30,000 megawatt solar power capacity in rural india by 2022 now this has been pushed to 2026 agar aap dekhen as of december 31 2022 only 88.46 megawatt of solar capacity has been added and 181,058 solar pumps had been installed and 1,174 grid connected pumps have been converted yahan pe again we are talking about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme jiska is budget mein outlay hai 60,000 crore which is 18% lower than the last year estimate that is 73,000 crore ठीक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि इस साल अगर नरेगा में अगर एलोकेशन की जरूरत पड़ती है देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट फंड द नेक्स्ट इज इंडिया टू शोकेस सक्सेस इन रूरल एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म एट G20 मीटिंग तो G20 ग्रुप ऑफ 20 ये 1999 में बना था एंड इट गेन प्रोमिनेंस आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस द 2023 समिट ऑफ G20 इट विल बी हेल्ड इन इंडिया India is currently the president of G20 in 2023. तो यहाँ पे देखिए G20 meeting में कुछ important villages जो हैं which is important from the point of view of tourism and archaeology, they will be showcased to the G20 members, telling the success stories of rural and archaeological tourism. तो ये है लादपुरा खास okay, a village in Madhya Pradesh, Khonoma village of Nagaland and heritage sites like Dholavira. तो यहाँ पे देखेंगे दैट रूरल टूरिज्म एंड आर्कोलॉजिकल टूरिज्म विल बी द टॉपिक्स फॉर टू साइड इवेंट्स एट द फर्स्ट टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 फ्रॉम फरवरी 17 टू 19 वेयर इंडिया विल हाईलाइट द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव्स ऑफ दिस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज लादपुरा खास विच इज इन मध्य प्रदेश इट हैज बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज बाई यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ओके The next is if you will see that Nagaland's Khonoma village will present the model of ecotourism management board that develops rural tourist products and promotes responsible tourism. Uske baad rural tourism products in and around Ran of Kutch will also be presented. The next is SC refuses to refer conversion issue to Law Commission. So Law Commission currently the 22nd Law Commission. Has been notified by the government. Okay, the chairman of this law commission is Ritu Raj Awasthi. So the Supreme Court ne refused kiya hai plea to refer to the law commission on India the question whether forcible conversion should be made a separate offence related to religion under the Indian Penal Code. Okay, the next is Anthony Blinken postpones China visit after spy balloon is detected over US. So Anthony Blinken. Who is the US Secretary of State, okay, who was going to visit China for the next week. Now he has postponed his China visit over the spy balloon, okay, which has been detected in recent days floating above the US. These are the Chinese spy balloon. But the Chinese government has regretted, has expressed regret over the incident and suggested Beijing had hoped for the visit that was set for Monday. Ab yahan pe dekhiye, is balloon ke baare mein padhiye. It is the reconnaissance balloon. According to the Pentagon, Pentagon जो वहाँ के डिफेंस का एक हेडक्वार्टर है ट्रेवल फ्रॉम चाइना सब्सिक्वेंटली क्रॉसिंग इन टू अलास्का एंड कैनेडा बिफोर होवरिंग ओवर द स्टेट ऑफ मोन्टाना अर्लियर दिस वीक अब यहाँ पे देखिए चाइना क्या कह रहा है चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री दे हैव एक्नॉलेज दैट द बलून वॉज फ्रॉम चाइना ओके दे आर सेइंग द एयरशिप इज फ्रॉम चाइना इट इज अ सिविलियन एयरशिप यूज फॉर रिसर्च मेनली मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस आफ्टर द अफेक्टेड बाई द वेस्टर्लीज
एंड विद लिमिटेड सेल्फ स्टीयरिंग कैपेबिलिटी द एयरशिप डेविएटेड फ्रॉम इट्स प्लान्ड कोर्स। ये चाइना का कहना है। द नेक्स्ट इज पाकिस्तान टू एग्री टू टफ IMF रूल्स एज क्राइसिस वर्सन्स। तो जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ही हैज एग्रीड टू IMF बेल आउट कंडीशन दैट आर बियॉन्ड इमेजिनेशन एज इट बेटर्स द स्पाइरलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, तो यहाँ पे IMF के कुछ डिमांड्स हैं, टैक्स वाइसेस, सब्सिडी स्प्लैशिंग, ओके, वन ऑफ द डिमांड्स। द नेक्स्ट इज फ्रॉम इकोनॉमी, यहाँ पे सिंपल सा एक है, दैट इज SPI's एक्सपोजर टू अडानी एज ऑन December 31st इज ₹27,000 करोड़ एंड SBI सीज नो कंसर्न सेज खारा हु इज द SBI चेयरपर्सन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिनेश खारा जी ने कहा है कि SBI का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप का वो 27,000 करोड़ है, विच इज जस्ट 0.88% ऑफ आवर टोटल लोन बुक्स। ओके, एंड ये मतलब जैसे कि 27,000 करोड़ ज़्यादा है, बट SBI ने जो टोटल लैंड किया है उसका बस 0.88% एक्सपोजर ही अडानी ग्रुप को है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।